हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी स्लम्बरलैंड मूवी की स्टार्टिंग में हमें छोटी बच्ची नीमो को देखते हैं, जो अपने डैड के साथ एक आइलैंड पर लाइट हाउस में रहती थी और उनका घर लाइट हाउस था। नीमो उस जगह को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और एक दिन नीमो के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। और उसके डैड उससे पूछते हैं कि लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है, और फिर नीमो इस बात का जवाब देती है कि शिप की डायरेक्शन का पता करने के लिए और उनको सही रास्ता बताने के लिए और मुसीबत में उनकी मदद हो सके इसीलिए। और यहाँ पर नीमो के डैड कहते हैं कि बेटा अभी ये सही जवाब नहीं है, जिस दिन तुम मुझे इस बात का सही जवाब दोगी तो मैं यहाँ की चाबी तुम्हें दे दूंगा। और फिर रात में उसके डैड उसे कहानी सुनाते हैं कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त समुन्द्र में मोतियों को ढूंढने गए थे, लेकिन तूफान आने की वजह से मेरा दोस्त कहीं पर गुम हो गया था और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। नीमो अपने डैड की स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनती है। अब यहाँ पर उसके डैड के पास एक मैसेज मिलता है कि समुन्द्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया है और इसीलिए उन्हें अब काम पर जाना होगा। और नीमो के डैड अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आधी रात को जब नीमो सो रही थी तब उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि उनके आइलैंड पर भी सुनामी तूफान आ गया था और लाइट हाउस में भी पानी भी आ चुका था। और अब नीमो उस पानी में डूब जाती है और अब वो अपने डैड को देखती है। और फिर जब वो उनकी तरफ जाने लगती है तभी एक मॉन्स्टर आकर के उसके डैड को खा जाता है और तभी नीमो की आँख खुल जाती है। और इसका मतलब ये था कि वो तो एक सपना देख रही थी। अगली सुबह नीमो के पास कुछ गार्ड आते हैं और आकर के उसके डैड की मौत के बारे में बताते हैं। और ये सुनकर नीमो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। और अब एक लेडी ऑफिसर उसे बताती है कि उसके डैड चाहते थे कि उसके बाद उसके अंकल के पास जा करके तुम रहो, लेकिन नीमो अकेले ही इस आइलैंड पर रहना चाहती थी। यहाँ लेडी ऑफिसर कहती है कि बेटा तुम अकेले यहाँ पर नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें अपने अंकल के साथ जाना होगा। और अब नीमो भी अपने अंकल के साथ चली जाती है। उसके अंकल बहुत ही रिच मैन थे और वो नीमो को साथ रखने के लिए भी बहुत खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बच्चों को कैसे रखा जाता है। और अब नीमो भी उसके डैड को बहुत मिस करती है। रात को सोते टाइम जब नीमो की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका फेवरेट टॉय तो जिंदा हो जाता है और उसका बेड भी अब खिड़की से बाहर लेकर के उसे जा रहा था। और अब बेड उसे पानी में होते हुए एक जादुई दुनिया में लेकर के जाता है। और अब वहाँ पर नीमो की मुलाकात फ्लिप नाम के आदमी से होती है और उसके तो दो बड़े बड़े सिंग भी थे। अब वो उससे उसके डैड के बारे में पूछता है और वो दुखी होकर के अपने डैड की मौत के बारे में बताती है और वो भी ये बात सुन करके दुखी हो जाता है। और वो ये कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड से एक नक्शा चाहिए था। और नीमो ये समझ रही थी कि वो अभी भी एक सपना देख रही है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे सपने से चले जाओ। और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वो नक्शा देना होगा और उसकी वजह से मैं चमकीले मोती को ढूंढ सकता हूँ और तुम भी उसकी मदद से एक ऐसी दुनिया में जा सकती हो जिसका नाम स्लम्बरलैंड है और वहाँ पर सारी विश भी पूरी होती है और तुम वहाँ जाकर के अपने डैड से भी मिल सकती हो। और ये सुन के वो बहुत खुश होती है और फिर वो उससे नक्शा ढूंढने का कह देता है और अब वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है। अगले दिन उसके अंकल उसका स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो टीचर से मिलते है। टीचर कहती है कि आप फिकर मत करो, मैं नीमो का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वो नीमो को लेकर के क्लास में जाती है और सब बच्चों से मिलवाती है। और वहाँ पर नीमो की दोस्ती एक लड़के से होती है और उसका बहुत अच्छा वो दोस्त भी बन जाता है। और अब वह उसे भी अपने डेट के बारे में बताती है। रात को नीमो के अंकल उसके दरवाजे को लॉक करना सिखाते है और यहाँ पता चलता है कि उनका बिजनेस दरवाजों का लॉक बनाने का था। और रात को नीमो का टॉय वापस से जिंदा हो जाता है और उसके डेट का नक्शा भी अब उसे मिल जाता है। अगली सुबह जब नीमो स्कूल जाती है तो वो अपने अंकल के फोन से स्कूल में अपसेंट लगवा करके स्कूल में एक ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर जाना मना था। और वहाँ पर जाकर के वो कपड़े बदलती है और वहीं पर वो अपने खिलौने को लेकर के सो जाती है। और फिर वो दोबारा से सपने में जा करके फ्लिप को नक्शा देती है, लेकिन वो नक्शा लेते ही उसकी मदद करने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन नीमो वापस नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मुझे अपने डैड से मिलना है। फ्लिप कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। और वो कहता है कि ये नक्शा स्लम्बरलैंड का है और मैंने इसको एक पुलिस ऑफिसर से चुराया था और आज तक वो ऑफिसर मेरे पीछे ही पड़ा है। अब नीमो को वो जादुई दुनिया के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत सारे चमकीले मोती है और अब दोनों जादुई दुनिया में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर फ्लिप उसे इस दुनिया के उसूल बताता है और कहता है कि यहाँ पर किसी के भी सपने के साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है।
और ना ही किसी की आंखों को देखना है। और अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देंगे। अब ये दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पत्तों से बने हुए इंसान थे और वहाँ पर वो डांस भी बहुत करते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की होती है जो बहुत ही गजब डांस करती है और वो लड़की भी सपनों में ही थी क्योंकि ये तो एक सपनों की दुनिया है। अब यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है जो अभी तक फ्लिप के पीछे ही पड़ी थी और उसके बारे में उसने नीमो को भी बताया था। और उससे पहले कि वो फ्लिप को अरेस्ट कर ले वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसको नीमो ने अपने सपने में देखा था। अब यहाँ पर फ्लिप उसे बचा लेता है और वो उसे बचाते हुए एक दूसरे जगह पर लेकर के आ जाता है और वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे सपनों की वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ तक आ गया है। और अब नीमो को कुछ होने लगता है और वो सपनों की दुनिया से गायब होकर के अपनी असली दुनिया में चली जाती है। और अब उसके अंकल भी उसे स्कूल लेने आ जाते हैं और फिर उसे साथ ले जाके उसे एक बोट गिफ्ट में देते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आप इसको अपने पास ही रखो। अब वो ये लेने से मना कर देती है। रात को उसके अंकल उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हारे डेट के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें तो अपनी जिंदगी को बहुत जीना है। लेकिन वो अपने डेट की मौत से अभी तक बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो जब भी सोने जाती है तो उसे नींद भी नहीं आती। और उसके अंकल उसके पास आते हैं और उसको स्टोरी सुनाने लगते हैं और स्टोरी सुनते ही उसे नींद आ जाती है और वो फिर से अपने सपनों की दुनिया में आ जाती है। और यहाँ पर फ्लिप उससे उसके डेट का नक्शा ले लेता है और कहता है कि अब तुम जाओ यहाँ से अपने घर, लेकिन नीमो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मेरा कोई भी घर नहीं है, मुझे तो बस अपने डेट से मिलना है। फ्लिप कहता है कि तुम बहुत डरी हुई हो और बुरे सपने तुम्हारे पीछा कर रहे हैं, वो यहाँ से नहीं जाना चाहती और वो अभी भी कंटिन्यू ही रखती है। वो फ्लिप से पूछती है कि तुम असली दुनिया में क्या हो, वो इस बात पर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं असली दुनिया में अभी तक जागा भी नहीं हूँ। और अब फिर से वो आगे जाने के लिए एक ट्रक में बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर फिर से इनका पीछा ही कर रही थी। और फिर ये ट्रक के आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि ये ट्रक तो एक छोटा बच्चा चला रहा था और वो ट्रक उस बच्चे से संभल भी नहीं पा रहा था। और फिर ये सब पानी में गिर जाते हैं, ये लोग ऑफिसर से तो बच जाते हैं लेकिन ये लोग पानी में डूब जाते हैं। और फिर ये लोग किसी भी तरह से खुद को बचाते हुए बाथरूम के रास्ते से बच जाते हैं। अब फ्लिप और नीमो को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अब यहाँ पर भी आ जाती है और वो एक गन से दोनों को शूट कर देती है जिससे वो मरते तो नहीं है लेकिन वो दोनों फंस जाते हैं। और वो अब दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं और ये ऑफिसर फ्लिप को कहती है कि मैं 116 साल की हो चुकी हूँ और मुझे तो अब रिटायर भी हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस सपनों की दुनिया में फंस चुकी हूँ। और अब वो उससे नक्शा मांगती है। वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि ये सब तुम इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि असली दुनिया में तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं करता, इसीलिए तो तुम नींद से उठते भी नहीं हो। और फिर वो उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। ऑफिसर के जाने के बाद फ्लिप नीमो से कहता है कि ये सच बोल रही थी और अब मैं भी जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन क्या पता शायद स्लंबरलैंड जाकर के मुझे सब कुछ याद आ जाए। अब पुलिस ऑफिसर वापस से जेल में आती है और नीमो को अपने साथ ले जाती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ या फिर हमेशा के लिए फ्लिप के साथ जेल में कैद रहो। और अब नीमो कहती है कि मुझे तो बस अपने डेट से मिलना है। और अब पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें अपनी असली दुनिया में वापस से जागना होगा वरना ये बुरे सपने तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। और अब नीमो वापस से जाग जाती है और फिर वो अपने अंकल के पास जा करके रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने डेट की याद आ रही है। और अब उसके अंकल उसे एक वीडियो दिखाते हैं और अब नीमो देखती है कि उसके अंकल ने वीडियो में बिल्कुल फ्लिप के जैसे कपड़े पहने हुए है। और उसके अंकल उसे बताते है कि मैं बचपन में बहुत ही शर्मिला था और जब मैं और तुम्हारे डेड हम दोनों साथ खेला करते थे तो मैं किसी भी तरह के कपड़े पहन लेता था, और तुम्हारे डेड की जिंदगी में जब तुम्हारी मोम आई तो फिर वो दुनिया घूमने के लिए चले गए और मैं अकेला ही यहाँ पर रह गया। और ये वाली बात कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। और अब नीमो कहती है कि मेरे डेड हमेशा रात को मुझे आपकी कहानियां सुनाया करते थे। अगली सुबह नीमो जब स्कूल जाती है तो वो उसी जगह पर जा करके वापिस से सो जाती है और फिर सपनों की दुनिया में आ जाती है। और अब वो अंकल के दी हुई चाबी से फ्लिप के जेल का ताला खोलती है
और फिर उसे अपने साथ बाहर निकाल लेती है। जब वो उसे यहाँ से लेकर के जा रही थी तो पुलिस ऑफिसर इनको फिर से देख लेती है और इस बार नीमो उसकी गन से उसी को टाइम लूप में फंसा देती है और फिर फ्लिप उसके साथ फोटो भी खींचता है और फिर ये दोनों वापिस से बर्फीली वाली जगह पर आ जाते हैं। लेकिन ये ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाती है और वो अभी तक इनका पीछा ही करती रहती है। अब ये दोनों उससे बचने के लिए एक ऊंचाई से कूद जाते हैं और फिर वहाँ पर बहुत बड़े परिंदों पर बैठ के एक छोटे से घर में आ जाते हैं और फिर ये दोनों अब लाइट हाउस में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच करके नीमो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल फ्लिप हो। और तभी उसकी असली जिंदगी में उसकी टीचर उसे जगा देती है और फिर वो उसके अंकल को बुला करके उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। और ये सब बातें सुनकर नीमो के अंकल भी उससे बहुत नाराज होते हैं। घर आकर के नीमो से कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि तुम स्कूल जाकर के अच्छे दोस्त बनाओगी, लेकिन तुम तो पढ़ना ही नहीं चाहती। अब रात में बहुत तेज बारिश होती है और नीमो गुस्से में अपने अंकल की दी हुई बोट पर बैठ करके चली जाती है और वो लाइट हाउस की तरफ जाती है और जाते हुए वो बोट में ही सो जाती है और फिर बाद में वो खुद को समुन्द्र में पाती है। और जैसा नीमो के डैड ने कहा था कि समुन्द्र के नीचे एक बहुत बड़ा सुराख है और वो उसी की तरफ जाती है और उधर फ्लिप को भी पता चल जाता है कि एक छोटी प्रिंसेस ख्वाबों के समुन्द्र में गई है, जैसा फ्लिप ने बताया था चमकीले मोतियों के बारे में। और फिर वो उसे ढूंढ लेती है और उसे तो एक हाथ में पकड़ भी लेती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन फ्लिप आके एक प्लेन की मदद से उसे बचा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी इनके पीछे ही था और अब उनका प्लेन भी तबाह हो जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे सपनों में सभी लोगों को मार रहा था, इसीलिए अब सभी अपनी अपनी दुनिया में जागने लगते हैं। और इधर नीमो के अंकल भी उसे ढूंढते रहते हैं। स्लम्बर लैंड पहुंचने से पहले नीमो की हालत अब खराब हो रही थी क्योंकि जिस नाव पर वो असली दुनिया में पानी में डूब रही थी और उसके हाथ से मोती भी गिर जाता है और सपनों की दुनिया में मॉन्स्टर आकर के फ्लिप को पकड़ लेता है। अब जब सपनों की दुनिया वाला फ्लिप मर चुका था तो असली दुनिया वाला फ्लिप को पता नहीं क्या होता है, वो नीमो को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और इधर सपनों की दुनिया में जब मॉन्स्टर गायब हो जाता है तो ऑफिसर उसके पास आती है और वो उसके हाथ में मोती को देखती है और कहती है कि तुम्हें कोई भी किसी भी सपने का कहता है देखने का तो तुम वही देख लेती हो और उसके पीछे तो कोई भी सच्चाई नहीं है। तभी नीमो खुद को लाइट हाउस के पास पाती है जहाँ पर वो अपने डैड को देखती है और फिर वो जल्दी से भाग के अपने डैड के पास जाती है और फिर ये दोनों गले लग जाते हैं और फिर लाइट हाउस की हाइट पर जाकर के बहुत मजे करते हैं। और वहीं पर असली दुनिया में नीमो के अंकल होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और सपनों की दुनिया में नीमो के डैड उसे समझाते हैं कि तुमने अकेले ही इस सफर को पूरा किया है और आगे भी तुम्हें अकेले ही इस सफर को पूरा करना होगा और असली दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ोगी, तुम्हें वापिस जाना ही होगा। तभी वो असली दुनिया में नीमो को होश आ जाता है और वहाँ पर उसके अंकल उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अब दोबारा मैं तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगले दिन हम नीमो को देखते हैं जिसने स्कूल में अपने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में।